अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटर चैनल में आपको शामिल कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर जवाद मीनस, और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो आज की टिप है मेरी कि बैकग्राउंड कैसे बनाना है। अपने कोई भी बैकग्राउंड अगर आपको खुद बनाना पड़ गया, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर डिज़ाइनर्स हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है कम से कम हम लोग मेहनत करनी पड़े, और जो है हम गूगल पर जाके बैकग्राउंड निकाल लेते हैं या किसी और साइट से बैकग्राउंड निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम लोग खुद बनाना पड़ता है, जब आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि खुद बनाना है बैकग्राउंड, तो आपने कैसे बनाना है वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक बॉक्स ले लेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया और इसको पर्पल कलर कर दिया। मीन्स कोई भी कलर कर सकते हैं, कोई भी डार्क कलर आप कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि ज़्यादातर डार्क कलर के बैकग्राउंड होते हैं। और इसको मैंने पकड़ के लॉक कर लिया, ओके। अदरवाइज मेरे पास जो है ना लेयर्स में भी ऑप्शन आ रही होती है लॉक करने की, मैंने इसको जो है ना इधर से लॉक कर दिया, आपको दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं एक जो है ब्रश ले लूँगा, ब्रश साइज। इसकी जो फिडिलिटी जो है वो स्मूथ फुल रखनी है आपने, ताकि जो है ना इससे एक स्मूथ सा कर्व आए, अदरवाइज इस तरह से कर्व आएगा। उसके बाद आपने इसको जो है ना मीडियम पर रख देना है और इसको ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो ये कलर पूछेगा, कलर आपने इसको कर देना है जी, मैं वाइट करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि डार्क कलर है, उस पर लाइट कलर देना है। लाइट कलर से पहले एक शेड भी हम लोग देना चाह रहे हैं कि यार इस कलर के ऊपर एक शेड आ जाए। पहले मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, इस कलर के ऊपर शेड आ जाए। कलर के ऊपर जो शेड आता है, जैसा कि आपने अगर आप डिज़ाइनिंग से मुंसलिक हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डार्क कलर के ऊपर हमेशा लाइट कलर का शेड आता है। तो इसी पर्पल कलर में एक लाइट कलर लेता हूँ, ये लाइट पे मैंने हिस्सा कर दिया। और मैंने जो है ना आप लोगों को मैच टूल सिखाया था, उसी मैच टूल के ज़रिए कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये शेड बन गया, कितना ज़बरदस्त शेड बन गया। और ये एज ए बैकग्राउंड भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ क्रिएटिविटी भी लाएँगे। फिर मैं इसको पकड़ के लॉक कर देता हूँ, लॉक कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्या स्टेप होगा कि मैं ब्रश ले लेता हूँ, उसको वाइट कलर कर देता हूँ, उसकी एक स्ट्रोक लगा देता हूँ। नहीं मज़े की नहीं लगे स्ट्रोक, थोड़ा सा घुमा फिरा कर लगाते हैं, ओके। ये दो स्ट्रोक्स मैंने लगा दी, दोनों स्ट्रोक्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर इधर से मैं जाऊँगा राउंडनेस पे, राउंडनेस पे जाके बेसिक सेलेक्ट करूँगा, दोनों की बेसिक हो गई। फिर मैं यूनिफॉर्म पे जाऊँगा, यूनिफॉर्म पे मैंने विथ प्रोफाइल वन सेलेक्ट करना है, विथ प्रोफाइल वन। फिर उसके बाद इसको जो है मैं स्ट्रोक देता हूँ 10। ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको पकड़ के ऑब्जेक्ट पे जाके हम लोगों ने जाना है, हमें इसके आउटलाइन पाथ कर देना है, आउटलाइन स्ट्रोक कर देना है, आउटलाइन इसकी बना ली। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग इफेक्ट पे, इफेक्ट पे जाके हम लोगों ने जाना है इसको आउटर ग्लो दे देना। आउटर ग्लो में व्यू करें कि किस तरह का आउटर ग्लो आ रहा है। ये 75% है तो मेरे ख्याल से ओके है, इतना ही काफ़ी है। ये आप देखते होंगे इसके नीचे ग्लो आ रहा है थोड़ा बहुत, और आउटर ग्लो की मेहरबानी की वजह से है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेन टूल पकड़ लेंगे और इसका फिल कलर ख़त्म कर देते हैं, आउट कलर स्ट्रोक कर देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं। और यहाँ तक सेलेक्ट करके पी दबा दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक पकड़ लिया, ये आ गया, और इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, फिर पी दबा दिया, ये यहाँ तक आ गया। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था ब्लेंड टूल के बारे में, ब्लेंड टूल मैं यूटिलाइज करूँगा इस जगह पे। ब्लेंड टूल ये जो सेक्शन आ रहा है इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारे पास ब्लेंड्स बन के आ गए, ज़बरदस्त कर बन के आ गया। फिर हमने ब्लेंड टूल हमारे पास सेलेक्ट है, फिर हम लोग इस जगह पे जाएंगे, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का पैनल आ रहा होगा। ट्रांसपेरेंसी में इधर नॉर्मल आ रहा है, इसको मैंने ओवरले कर देना है,
ओवरले कर देना है। अगर मैं ओवरले ही चाहता हूँ, इसको ओवरले चाहता हूँ तो ओके, अदरवाइज मैं इसको सॉफ्ट लाइट भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस पे डिपेंड है। मैं स्क्रीन कर देता हूँ, स्क्रीन मज़ा कर रही है, इसको नीचे कर देता हूँ मैं, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ बिजनेस आए। ओके, इसको मूवमेंट कर ली मैंने। जल्दी जी ये ऑप्शन आपके पास आ गई है, एक बैकग्राउंड बन के आपके सामने आ गया है। आपकी चॉइस है कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है अपनी चीज़ों को, इस तरह की आपको डिफ्रेंसिएशन चाहिए, आप इधर से पकड़ कर इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास बैकग्राउंड आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इनको मैं ओवरऑल सेलेक्ट करके ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ओपेसिटी की ऑप्शन आपके पास आ रही है, ये मैंने ओपेसिटी कम कर दी इसकी और कर दी कम, 13 पे तो बिल्कुल इतना बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ। चलें जी, ये चीज़ हमारे पास बन के आ गई। नहीं, इसकी भी ओपेसिटी डाउन हो रही है, इसकी ओपेसिटी मैंने ज़्यादा कर लिया, इसको पकड़ के 100% पे कर दी। ओके जी, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। फिर आप समझ रहे होंगे कि यार ये तो बाहर भी आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसके आपको सिर्फ ये वाला सेक्शन चाहिए। वो तो वैसे भी आर्ट बोर्ड का अगर आप सिलेक्शन करेंगे सेव में तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज आपने क्या करना है कि आपने एक रेक्टेंगल बना लेना है सेम टू सेम साइज का, अपने आर्ट बोर्ड साइज का। इसको कलर नल कर लेना है, नल कर देना है, ओवरऑल सिलेक्शन कर लेनी है। ये ओवरऑल सिलेक्शन हो गया, फिर इसको पकड़ के क्लिक पास कर दिया। ये देखो, जो एरिया आपने सिलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड बन के आ गया। इस तरह के बैकग्राउंड्स आपने देखे होंगे, तो इतना सिंपल सा वे है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताऊँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ। जवाब दीना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।